नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। फोटो युक्त मतदाता सूची विषय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के निमित्त स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर धनवार पुनीतराय स्टेडियम में प्रशासन बनाम जनप्रतिनिधि के बीच फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जनप्रतिनिधि की टीम एक गोल से जीत दर्ज की। विजेता तथा उपविजेता टीम को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। प्रशासन की ओर से कप्तान की भूमिका SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह व जनप्रतिनिधि की ओर से कप्तान की भूमिका उदय सिंह ने निभाई। रेफरी की भूमिका अशोक कुमार वर्मा तथा कमेंट्री BPO दिलीप साहू ने किया। इस दौरान SDM ने उपस्थित लोगों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लोगों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अपील की। मौके पर SDM ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता थीम पर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं लोगों को संदेश दिया गया कि मतदाता सूची के निर्माण में सभी सहयोग करें। मतदाता सूची के स्वस्थ होने से लोकतंत्र स्वस्थ होगा और मतदान की प्रक्रिया स्वस्थ होगी। कहा कि जो युवक और युवतियाँ 18 वर्ष पूर्ण करने जा रही हैं वो मतदाता सूची में नाम अवश्य चढ़ाएं। SSR 23 स्वीप कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने शुरुआत की थी 9 नवंबर से, और आज ये जो स्वीप की गतिविधि है इसको आज हम लोग एक तरह से विराम दे रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, विराम दे रहे हैं। और इसके तहत हम लोगों ने विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए, चित्रांकन प्रतियोगिता किया, पैदल यात्रा की, स्लोगन राइटिंग किया, क्विज प्रतियोगिता किया, नुक्कड़ नाटक किया, गायन किया, नृत्य किया, कव्वाली किया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अंत्याक्षरी का कार्यक्रम किया और अंत में आज फुटबॉल का कार्यक्रम किया। लगभग एक दर्जन से अधिक विधाओं को हम लोगों ने आजमाया और लोगों को जोड़ने का काम किया। कल शाम में अलाव पर चर्चा करके एक विशेष कार्यक्रम किया गया जिसमें लोगों के ठंड और ठिठुरन को भी कम करने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ उनके साथ नुक्कड़ पर खड़े होकर बैठ करके 10 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए, नाम हटाने के लिए 7 में और शुद्धिकरण के लिए 8 में आवेदन पत्र मांग किए गए। AERO, BLO, सुपरवाइजर और कैंप की व्यवस्था, सारे लोग हमारे काम कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग छूटे हुए हैं, उनको अगले 5 दिन में हम लोग जोड़ेंगे और हम समझते हैं कि हमारा इलेक्ट्रल रोल जो होगा वो स्वस्थ होगा। और जब स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो इलेक्ट्रल रोल में नाम होना होगा और हमें मतदाता सूची का निर्माण करना होगा ताकि हम लोग मतदाता सूची के माध्यम से वोटर को बूथ तक पहुंचाएं और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का निर्वाह करते स्वर्ग स्वस्थ सरकार का गठन हो सके। वी टाइम न्यूज के लिए राजधनवार से प्रदीप मोदी की रिपोर्ट।